नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में। जून 2020 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और इस महीने में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? दोस्तों हमारे यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जून 2020 में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले 14 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जिसके बाद 30 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि मकर राशि से निकलकर धनु राशि में आने वाले हैं। दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर जून 2020 में मेष राशि वालों को कई मामलों में बड़े ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। आपको बता दें कि तीन बड़े बदलाव के साथ साथ इस महीने में 6 ग्रह भी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, यानी कि उल्टी चलने वाली है, और इन ग्रहों के वक्री होने की शुरुआत मई के महीने से ही हो जाएगी। दोस्तों जिसमें 11 मई को सबसे पहले शनि देव मकर राशि में वक्री होंगे, इसके बाद 13 मई को बृहस्पति देव मकर राशि में वक्री होंगे, और फिर 14 मई को शुक्र देव वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। दोस्तों मई के महीने में यह 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं, और आपको बता दें कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ही वक्र चाल चलते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं, और राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में वक्री रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही जून के महीने में 16 जून को बुध भी वक्री होने वाले हैं, बुध मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। दोस्तों जून के महीने में 6 ग्रहों के वक्री होने के साथ साथ कार्य शिव योग का भी निर्माण भी होने वाला है, जिस वजह से इस महीने में कई तरह की भयंकर प्राकृतिक आपदाएं भी घटने वाली हैं। दोस्तों इस महीने में समुद्री तूफान, सुनामी, भारी बरसात, बाढ़, नदी प्रवाह से फसलों की हानि, सीमा परम्भ और अशांति, और आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाएं होने वाली हैं, जिस वजह से पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं भी घटने वाली हैं। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फायदा बाजार में शेयर बाजार में व्यापारिक वस्तुओं में और बाजारों में भारी तेजी भी देखने को मिलने वाली है, जिस वजह से मेष राशि वालों को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। और दोस्तों जून के महीने में मेष राशि वालों को व्यापार में धन लाभ, नौकरी में तरक्की, शिक्षा में लाभ और एग्जाम्स में सफलता और करियर में बेनिफिट मिलने वाला है, और इसके साथ ही अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख शांति, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ, प्रेम संबंधों में मिठास और संतान से भी सुख मिलने वाला है। दोस्तों मेष राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना बड़ा ही भाग्यशाली साबित होने वाला है, और यह महीना आपको मालामाल तक कर सकता है। बस आपको इस महीने में 18 जून के बाद लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से करने से बचना होगा, क्योंकि 18 जून से मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा 18 जून के बाद मंगल और शनि में दृष्टि संबंध बनने वाला है, जिस वजह से 18 जून से प्राकृतिक आपदाएं घटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होंगी, और इस समय में भारी बरसात होने के भी संभावनाएं हैं, और आपको 18 जून के बाद लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी रखने की जरूरत है। दोस्तों
इसके अतिरिक्त से सभी मामलों में आपको हर प्रकार से सफलता मिलते हुए दिखाई देगी और यह महीना आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।